हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिल्ली सॉस। उसके लिए मैंने ग्रीन चिल्ली ले ली हैं और ये मेरे एक ही प्लांट से उतरी हुई मिर्च हैं। इसमें से हम लाल मिर्च को अलग कर देंगे, सिर्फ हरी मिर्च हम लेंगे। और बहुत तेज मिर्च हैं, आप चाहें तो इसमें मोटी मिर्च मिला सकते हैं जो कि कम स्पाइसी होती हैं। और मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/4 कप पानी और 1/4 कप विनेगर। वाइट विनेगर है ये, आप ब्राउन भी ले सकते हैं। 4 डोडी मैंने ले ली हैं लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। चलिए इन्हें छीलते काटते हैं। ये देखिए, सॉस बनाने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है। 1 चम्मच के करीब तेल है ये। और इसमें अब डालेंगे जीरा, साथ ही लहसुन डाल देंगे और अदरक। अब हम मिर्च डालते हुए थोड़ा इसे भूनेंगे तेल में। तेल इन पे लिपट गया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालते हुए, थोड़ा पानी डालेंगे, 1/4 कप के करीब पानी डाला मैंने अभी। इसको ढककर पका लेंगे। मिर्च को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। मिर्च हमारी पक गई है। अब हम इसमें नमक और चीनी डाल देंगे और बिना ढक्कन लगाए अब फिर हम इसको 2-3 मिनट, जब तक पानी नहीं सूखता तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, पानी सुखाने तक। फिर इसे ठंडा करेंगे। देखिए, मिर्च हमारी ठंडी हो गई है। अब हम मिक्सी में डालकर इसको विनेगर के साथ पीस लेंगे। अंदाजे से मैंने 1/4 कप के करीब विनेगर डाल दिया है इसमें। चलिए अभी इसे पीसते हैं। ये देखिए, सॉस का कलर कितना अच्छा आया है। तैयार है हमारी ग्रीन चिल्ली सॉस। आप चाहें इसको गाढ़ा लग रहा है तो इस स्टेज पर थोड़ा विनेगर और डाल दें और मिक्स कर दें। और किसी भी साफ बोतल में गर्म पानी से धोकर उसको भर के रख दें। ये आराम से 6 महीने तक ख़राब नहीं होगी। और इसी तरह से हमारी लाल मिर्च का रेड चिल्ली सॉस भी बनकर तैयार हो जाएगा, सेम इसी मेथड से। तो आप भी, आपके फ्रिज में अगर इकट्ठी हैं ग्रीन चिल्ली तो आप भी बनाइए और प्रिजर्व कीजिए। और रेड चिल्ली अगर सूख भी चुकी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसे भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।